उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने अयोध्या के दौरे के दूसरे दिन सुबह 8 बजे हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किया। उसके बाद रामलला के दर्शन किए। सीएम योगी दिगंबर अखाड़ा और सरयू घाट पहुंचे। उन्होंने सुग्रीव किला, महंत नृत्य गोपाल दास समेत भक्तमाल में जाकर साधु संतों से मुलाकात की। इसके बाद दिगंबर अखाड़ा में नाश्ता करके श्री राम के स्थापित होने वाली प्रतिमा स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या में भगवान श्री राम की एक दर्शनीय मूर्ति स्थापित होगी, इसके लिए चर्चा चल रही है। सीएम योगी ने यह भी कहा कि उन्होंने मूर्ति के स्थापित करने के लिए जगह देखी है। अयोध्या के लिए सरकार ने योजनाएं बनाई हैं, जिन पर जल्द काम होगा। विज्ञापन। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या में भगवान राम की दर्शनीय मूर्ति बनेगी। अयोध्या में रामलला ही है, मंदिर था, है और रहेगा। उन्होंने कहा कि सरकार संवैधानिक देय में रहकर तमाम विकल्पों पर विचार कर रही है। कुछ साल में अयोध्या बेहतरीन नगरी के रूप में विकसित होगी। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या में विधवा और अनाथ बच्चों को लिए एक आश्रम बनाने पर विचार किया जा रहा है। इस आश्रम का नाम माता कौशल्या के नाम पर होगा।